आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं जो कि आज के हमें बिजी एंड हेक्टिक लाइफ में बहुत ही यूजफुल बन जाता है। हम लोगों पे सब पे टाइम बहुत कम होता है हर चीज के लिए ही, तो एक प्रोडक्ट हम आजकल सब कैरी करते हैं, हमारे फोन, और उसके सपोर्ट के लिए एक प्रोडक्ट जो कैरी होता है वो भी आजकल हमारी लाइफ में बहुत जरूरी बन गया है। तो चलिए जानते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में। दोस्तों ये है वो प्रोडक्ट, पीट्रोन का है पावर बैंक। पावर बैंक हमारी लाइफ में आजकल एक जितना फोन इम्पोर्टेंट हो गया है, 50% लोगों के लिए पावर बैंक भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो चुका है आज के टाइम पे। हर किसी का टाइम कम है फोन को चार्ज करने के लिए। हम बात करते हैं, हमने जो पावर बैंक आज अनबॉक्स करना है जिसका हम रिव्यू करेंगे, ये आता है पीट्रोन की तरफ से। 10,000 mAh का इसका कैपेसिटी है, 18 W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, चार्ज भी ये काफी फास्ट होता है, फोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो ये भी उसको 18 W से चार्ज कर सकता है मैक्सिमम। तो देखते हैं इसके बारे में क्या क्या लिखा है इसके बॉक्स पे। साइड में सेम चीज लिखी है जो मैं आपको बता चुका हूँ, फ्रंट में इधर कुछ नहीं है, इधर भी सेम ही चीज लिखी है कि 10,000 mAh का है और 18 W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। पीछे की तरफ आते हैं तो इसमें पहले दिखाया गया बैटरी कैपेसिटी के बारे में कि 10,000 mAh की बैटरी है। इनपुट में इसको दो टाइप के पोर्ट्स मिलते हैं, माइक्रो यूएसबी से भी ये चार्ज होता है केबल से एंड टाइप सी केबल से भी ये चार्ज होता है। इनपुट वोल्टेज के बारे में बताया गया है, ये मैक्सिमम 18 W की फास्ट चार्जिंग से चार्ज हो सकता है, 18 W की फास्ट चार्जर से सपोर्ट हो सकता है। आउटपुट के बारे में बताया गया है कि आउटपुट भी इसमें 18 W का मिलता है, हमें 18 W की फास्ट चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है। आउटपुट पोर्ट में इसमें बहुत अच्छा फीचर है, इसमें यूएसबी के साथ साथ टाइप सी आउटपुट पोर्ट भी है, जो कि कुछ फोन्स में हमें आजकल जो केबल मिलती है उसमें दोनों साइड ही टाइप सी का पोर्ट होता है, तो वहां ये पावर बैंक हमारा बहुत ही बेनिफिशियल साबित होता है। चार्ज टाइम के बारे में बताया गया तो ये अराउंड 3 hours लिखा गया है, बट हाँ जो मैंने चेक किया ये 3.5 to 4 hours में कंप्लीटली चार्ज हो जाता है पावर बैंक। तो चलिए दोस्तों अब इसको अनबॉक्स करते हैं और आपको मैं इसका रिव्यू करता हूँ कि कैसे परफॉर्म किया इसने, इसकी चार्जिंग स्पीड कैसी थी एंड खुद चार्ज होते हुए इसकी स्पीड कैसी थी। तो दोस्तों करते हैं हम अपने इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। बहुत ज्यादा बॉक्स कंटेंट नहीं है तो हमें इसको रख के अनबॉक्स करने की जरूरत नहीं है, हम इसको ऐसे ही अनबॉक्स कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। इसमें हमें पहले मिलता है एक पावर बैंक, इसको हम रख देते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिर देखते हैं इसमें और क्या क्या कंटेंट मिलता है। एक वारंटी कार्ड मिलता है पीट्रोन की तरफ से हमें, जो कि 1 year की वारंटी हमें देता है ये कार्ड, इसको भी हम साइड रख देते हैं। एक कंटेंट और आई थिंक इसके बॉक्स में हम देख लेते हैं, वो हमारी केबल है। हाँ ये केबल मिली है हमें, ये केबल है टाइप सी एंड यूएसबी, तो अच्छी चीज है, इससे हमारा फोन भी चार्ज हो सकता है एंड हमारा पावर बैंक भी चार्ज हो जाएगा, तो बहुत अच्छी चीज है ये। तो दोस्तों ये है हमारा पावर बैंक, काफी स्लीक सा है, अच्छा डिजाइन है, हाथ में अच्छे से फिट होता है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत हैवी नहीं है, 10,000 mAh का है, उस हिसाब से काफी अच्छा है इसका डिजाइन। बिल्ड क्वालिटी ठीक ठीक है, प्लास्टिक है, डिसेंट प्लास्टिक है, बहुत अच्छा नहीं है, बेकार भी नहीं है। ऊपर में LED इंडिकेटर दिए गए हैं कि कितने परसेंट हमारी बची है ये। इधर हमें पावर स्विच दिया गया इस पावर बैंक का। तो दोस्तों अब इसको हमने देख लिया है, इसका ओवरव्यू देख लिया है, लुक एंड फील देख लिया है, अब इसको हम देखते हैं, हमारा फोन चार्ज करके देखते हैं और इस पावर बैंक को चार्ज करके देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कैसा इसने परफॉर्म किया। जैसा इसके बॉक्स पे इसकी स्पेसिफिकेशंस मेंशन की गई थी वैसा ही परफॉर्म किया है, या उससे हल्का परफॉर्म कर रहा है या उससे कुछ ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके अभी लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। आप अनबॉक्सिंग हमारी कंप्लीट हो गई इस पावर बैंक की, अब बात करते हैं हम ये कैसा परफॉर्म करता है। परफॉर्म इसने बहुत अच्छा किया, ये अराउंड 50% चार्ज था जब हमने इसको अनबॉक्स किया था, तो मैंने इससे पहले अपने फोन को चार्ज किया, मेरा फोन इससे चार्ज हुआ अराउंड 80% चार्ज हुआ, 80% मेरा फोन इस पावर बैंक से चार्ज हुआ अराउंड 85 मिनट्स में, और मैं वही अगर 18 W के फास्ट चार्जर से अपने फोन को चार्ज करता हूं तो मेरे फोन को 80% चार्ज होने में वही टाइम लगता है, अराउंड 79-80 मिनट्स लग जाते हैं। तो परफॉर्मेंस इसकी बहुत ही अच्छी है, फास्ट चार्जिंग इसका बहुत अच्छे से वर्क करता है, अराउंड 18 W के फास्ट चार्जिंग के चार्जर की तरह ही ये वर्क करता है। अब बात करते हैं खुद कितनी देर में चार्ज हुआ 18 W के फास्ट चार्जर से। ये मैंने 0% से लेके इसको चार्ज किया था 100% तक, तो 0 to 100% में ये हमारा चार्ज हुआ अराउंड 3 hours 45 minutes में। कंपनी 3 hours क्लेम करती है बट मैंने इसको फर्स्ट टाइम जो चार्ज किया उसमें इसको लगा 3 hours 45 minutes। तो मेरे ओपिनियन में दोस्तों ये पावर बैंक बहुत ही अच्छा है, आप इसके लिए जरूर जा सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। इसका प्राइसिंग अगर मैं आपको बताऊं तो
बहुत ही ज्यादा प्रोडक्ट प्रोडक्ट के बॉक्स पे मेंशन किया गया, 2500 के अराउंड मेंशन किया गया, बट मुझे ये सेल में, मैंने इसको बहुत ही सस्ते में परचेज किया था सेल के दौरान, इसको मैंने परचेज किया था 499 रुपीज में। इसका बिल भी मैं आपको एंड में फोटो में मेंशन कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। और मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा, अगर आपको 600 रुपए तक भी ये प्रोडक्ट मिलता है अगर किसी सेल में, तो आप जरूर इस प्रोडक्ट के लिए जाएं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने इसको पर्सनली यूज किया है, बिल्कुल रिकमेंडेड प्रोडक्ट है मेरी तरफ से ये। तो दोस्तों देख, हो गई हमारी वीडियो खत्म आज की, हैव ए नाइस डे, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें।